सड़क टू के ट्रेलर को देख फूटा कंगना रनौत का गुस्सा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। सड़क टू का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसको लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले और बहुत सारे वीएचपी ने भी इस बात को उठाया कि कैसे इसमें हिंदू धर्म की आस्था को जो है ठेस पहुंची है। और इस फिल्म का एक डायलॉग जो है, आलिया भट्ट का डायलॉग है, काफी चर्चा में है, उस पर अब कंगना ने भी अपना गुस्सा जताया है। क्या है पूरी खबर, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो आपको बताऊंगी। आज सड़क टू का ट्रेलर आता है और वो काफी चर्चा में आ जाता है। फिल्म में आलिया, आदित्य रॉय कपूर, पूजा भट्ट, संजय दत्त मुख्य भूमिका में है। इसमें एक डायलॉग है जो आलिया भट्ट का है और वो एक तस्वीर को देखकर कहती है, इन गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। इस डायलॉग को फिल्म क्रिटिक ने एक ने ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लिखा, ट्रेलर में आलिया भट्ट कहती है कि इन गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। बस एक बार इसमें से गुरु शब्द हटाकर मौलवी या पादरी लगाकर देखिए भट्ट साहब, महेश भट्ट, कोई चर्चा नहीं, बस इसे हटाइए और ट्रेलर दोबारा लॉन्च करिए, बस इतनी सी ही मांग है। इसी पर कंगना रनौत ने भी उसी ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, शानदार अवलोकन, क्या वो गुरु को मौलवी और कैलाश स्कैंडल को मक्का स्कैंडल में बदल सकते हैं? साधुओं की लिंचिंग की घटनाओं का इन्हीं पूर्वाग्रहों से संबंध है। आखिर क्यों इन पाकिस्तानी एजेंडों को भारत में पूर्वाग्रह और धार्मिक विद्वेष फैलाने की इजाजत दी गई है? तो कहीं ना कहीं इस बात पर अब जो है कंगना ने भी गुस्सा दिखाया है और डायरेक्टली जो है उन्होंने इन सारी चीजों को, जो साधुओं की हत्या होती है, लिंचिंग होता है, उससे जोड़ा है और कहा है, व्हाई पाकिस्तानी पिम्स आर अलाउड टू स्प्रेड रिलीजियस हेट एंड प्रेजुडाइज इन भारत। तो एक बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने अपने इस ट्वीट में कही है और उनको भी उस डायलॉग से आपत्ति है जो आलिया ने बोला है। और उस डायलॉग पर बहुत सारे लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी ये कहा है कि इस ट्रेलर से हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है।